कम टू द अदर टॉपिक, मेजरिंग कैपेसिटी। अब कैपेसिटी कितनी है हमें वो मेज़र करनी है। अभी तक हमने पीछे ये मेज़र करा था कि ग्लास में वाटर ज़्यादा आता है या जग में, तो हमें पता था कि जग में वाटर ज़्यादा आता है। लेकिन अब हमें ये मेज़र करना है कि जग में कितने ग्लास वाटर आता है, कितनी कैपेसिटी है जग की कि वो वाटर को फिल कर सके, पूरा जग वाटर से फिल कर सके। तो इस वाटर की कैपेसिटी देखिए कितनी ग्लास वाटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस जग में 8 ग्लास वाटर आया हुआ है, तो द कैपेसिटी ऑफ जग इज 8 ग्लासेस वाटर। ठीक है, इस जग की कैपेसिटी 8 ग्लास वाटर फिल करने की है। कम हेयर द बॉटल कैन होल्ड 5 कप्स ऑफ वाटर। ये बॉटल जो है वो कितने कप्स होल्ड कर सकती है, 5 कप। तो द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज इक्वल्स टू 5 कप्स। ठीक है, द पॉट कैन होल्ड 4 कप्स ऑफ टी। अब ये जो पॉट है वो कितने कप होल्ड कर रहा है, 4 कप्स। ठीक है, ठीक है, तो द कैपेसिटी ऑफ पॉट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 कप्स। द कैटल कैन होल्ड 8 कप्स ऑफ टी। ये जो कैटल है वो कितना कप होल्ड कर रहा है, 8 कप्स ऑफ टी। तो द कैपेसिटी ऑफ कैटल इज इक्वल्स टू 8 कप ऑफ टी। ओके, नाउ कम टू द वर्कशीट, टिक द हैवियर वन। अब आप बताइए कि टिफिन बॉक्स विल बी हैवियर और अ कैंडी विल बी हैवियर। टिफिन बॉक्स, इरेजर और मैथ बुक, फिदर और अ बर्ड, चॉक बॉक्स और चॉक बॉक्स इज हैवियर। लॉन्गर कौन सा होता है, शार्पनर और अ स्पून, स्पून इज लॉन्गर देन अ शार्पनर। टेक द वन दैट कैन होल्ड मोर वाटर। अब देखिए कैटल मोर वाटर होल्ड करेगा या फिर बकेट, बकेट, मग और अ जग, जग, वाटर और अ वाटर बॉटल, सॉरी ग्लास और अ वाटर बॉटल, वाटर बॉटल। सो यू हैव टू डू दिस इन योर बुक। ओके, थैंक यू।